उधर कुछ बॉयज हॉस्टल है ना, तो उधर कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हुए थे, तो मिटाना जरूरी था। चलो वीडियो शुरू करते हैं। शायद मैं ही हूँ, शायद मैं नहीं, हुआ क्या? हाँ तो भैया जी, सॉरी इतने दिन से वीडियो नहीं बनाया था, अपना स्टाइल भी भूल गया। हाँ तो जनाब, इतने दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए, और इतने दिनों में हमारे कॉलेज आए हुए एक महीना भी हो गया है। तो लास्ट हमने वीडियो डाली थी शुरुआत की, एपिसोड 3, जिसमें हमने कॉलेज में एंट्री मारी थी, एंड आपने उस वीडियो को देख ही लिया होगा, होप सो, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। एंड उसके बाद से हमें कॉलेज में हो चुके हैं प्रॉपर एक महीना। तो उस एक महीने में दुर्गा पूजा, दिवाली एंड बहुत कुछ हुआ है। तो शुरुआत एपिसोड 3 के बाद अगला सीन होता है दुर्गा पूजा का। तो हमारा कोई प्लान तो नहीं था दुर्गा पूजा के लिए, यहाँ से जाने के लिए, बट जैसे ही दुर्गा पूजा चालू हुआ, मैंने देखा कि अगल बगल के सारे हॉस्टल, सारे रूम खाली, यहाँ तक कि मेरे बगल वाले, सामने वाले, मतलब हर तरफ के रूम खाली, सब में ताला लग गया। कैमरा का सामने हाथ मिला, आ, आ, मिलवा यार, मिलवा यार तू। और ये चारों रूम में बस मैं अकेला रह गया। तो अब मुझे लगा कि अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या करूँगा मैं यहाँ पे 10 दिन अकेले। बस हमने अपना सामान पैक किया, अलमारी बंद की और निकल लिए रांची के लिए। बात यूँ थी कि हमें मतलब मैं और ऋत्विक, जो दोनों साथ में रांची ट्रैवल कर रहे थे। ऋत्विक बेसिकली मेरा एक रांची वाला फ्रेंड है, जो कि रांची से, जो कि मेरे ही स्कूल में था, एंड हम लोग सेम कॉलेज में आ चुके हैं। और यस, तो मैं उसके साथ ट्रैवल कर रहा था, एंड हमने सोचा कि यार सेकेंड एसी में तो हर बार जाते हैं, थर्ड एसी में हर बार जाते हैं, यार एकदम सिंपल सा ट्रैवल रहता है, इस बार क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए। तो हमने सबसे पहले तो जाते टाइम बस की टिकट बुक की और आते टाइम स्लीपर की। तो दोनों ही में मैंने आज तक बिना फैमिली के कभी ट्रैवल नहीं किया था, बोलूं पहला एक्सपीरियंस था। तो ये एक्सपीरियंस कुछ खास रहा नहीं बस के लिए। ठीक है भाई, भाग, बस में जाओगे? कभी नहीं। फाइनली हम लोग चढ़ चुके हैं बस में, एंड जो बैंड बजी है, कभी बस नहीं लेना, कभी नहीं आज के बाद से कभी। बट जो भी बोलो, रूम इतना सही, रूम देखो, प्राइवेट रूम देखो, रूम यहाँ जूता रखा है, यहाँ खिड़की है। कैसी लगा मौसम भाई? रांची का मौसम। रांची पहुंचते ही हमें मिली सबसे घटिया सी एक न्यूज, जो की थी, ओके सो हम लोग रांची आए हैं, एंड आते साथ मुझे न्यूज मिली है कि मेरी जो साइकिल थी, मेरी प्यारी साइकिल, वो हो चुकी है चोरी। तो जो भी हो, साइकिल बस सेफ हैंड में हो, और साइकिल को इज्जत से चलाए जो भी चला रहा है यार, मतलब अब मेरे को नहीं पता कौन चला रहा है। सो आफ्टर ऑल दिस, हम लोग फाइनली जिस चीज़ के लिए आए थे, दुर्गा पूजा, मतलब छुट्टी थी 8 दिन की लिटरली, एंड उसमें से हमने लिटरली 5 दिन कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब मैं इतने दिन बाद में घर गया था, मतलब 20 दिन बाद, एंड कुछ भी नहीं किया लिटरली, बस मैं सोफे में सोया रहता था एंड बेड में सोया रहता था, सोफे में सोया रहता था एंड बेड में सोया रहता था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली गाजियाबाद में शिफ्ट हो गई है और मैं रांची में अकेला था। और हमने लास्ट मिनट में टिकट बुक की थी, इसलिए ना मुझे गाजियाबाद की कोई टिकट मिली थी, और गाजियाबाद का ट्रेन से ट्रेवल कुल मिला के 34 घंटे का है। तो फिर हम फाइनली निकल लिए जिस चीज के लिए हम रांची आए थे, दुर्गा पूजा पंडाल देखने के लिए।
और हम वापस आ गए भुवनेश्वर के लिए, वो भी स्लीपर से। और स्लीपर में ये मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि आज से पहले मैंने स्लीपर में कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था। फाइनली आज 8 तारीख, आज हम लोग की रात की 8 बजे की ट्रेन है, 8 को 8 तारीख की, एंड पैकिंग ऑलमोस्ट डन है और फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं। यस, दिस वाज इट फॉर रांची। माना दिल डरा डरा टूटा ये जरा जरा, दिल के इस बवंडर को ठहर जाने दो। ओके, सो हम कैसे भी करके भुवनेश्वर और अपने कॉलेज तो पहुंच ही गए। बट दुर्गा पूजा से हमारी जो क्लासेस पहले चल रही थी, मतलब दुर्गा पूजा के वेकेशन से पहले हमारी क्लासेस सिर्फ चल रही थी हफ्ते में 6 दिन, सैटरडे संडे ऑफ रहता था एंड सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की। तो हमें लग रहा था वाह क्या मक्खन लाइफ चल रही है। एंड जैसे हम दुर्गा पूजा के बाद वापस आए तो हमारी क्लासेस हो गई सुबह 8 बजे से दोपहर के 2:20 तक। मतलब समझ रहे हो, सुबह 8 बजे से ले गए दोपहर के 2:20 तक क्लास होती है। एंड फिर उसके बाद 3 बजे मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाता हूँ। 3 से 6 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आता हूँ 7 से 9 मैं पढ़ाई करने का ट्राई मारता हूँ, जो कि यहाँ हो नहीं पा रही है। ठीक है, इतने में मेरा दिन गायब हो जाता है। लिटरली हफ्ते के 7 के 7 दिन ऐसे ही जाते हैं। मतलब संडे को हमें सुबह निकलना अलाउड नहीं है, और अगर निकलना अलाउड नहीं है तो तुम रूम में बैठते हो, और एक वो अकेला दिन है जिस दिन तुम्हें रूम में अकेले बैठने मिलता है, तो तुम सोओगे ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी दिन तुम्हें सोने नहीं मिल रहा है। तो मैं भी सोता हूँ, और इसीलिए ये वीडियो भी इतनी लेट से आ रहा है, क्योंकि मुझे एक दिन भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज मैंने कैसे भी ये टाइम निकाला, और ये वीडियो अगर मैं बताऊँ, लिटरली बताऊँ ये वीडियो क्यों आ रहा है, तो इंस्टाग्राम में एक पेज है द बिट बॉय, आई डोंट नो, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ शायद द बिट बॉय, और आपको @ कहीं ना कहीं आ रहा होगा। वो भाई, वो जो लड़का है, वो मुझे ऑलमोस्ट कॉलेज में 5 से 6 बार मिल चुका है। मतलब उसने मेरी वीडियो देखी हुई थी, बट उसने मतलब जितने बार वो मेरे से मिला है, वो बोलता है भाई वीडियो कब आ रहा है। फिर एक बार उसने बोला कि भाई टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो मैंने भी सोचा हाँ यार यूट्यूब वीडियो मतलब में स्कोप है और मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो थैंक यू सो मच भाई। तो अगर आप क्रिकेट को हल्का सा भी फॉलो करते हो तो आपको इतना पता चला होगा कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, एंड वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप का इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के साथ था, और हमने वो देखा हॉस्टल में, और उस टाइम थोड़ी सी भीड़ कम थी क्योंकि छठ का टाइम था और दिवाली का टाइम था, तो थोड़े थोड़े मोड़े लोग निकल चुके थे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। फिर भी वो जो मैच एंड वो जो कोहली का बैकफुट पे छक्का था, मतलब अनबिलीवेबल, ठीक है। और मैच जीतने के बाद तुम सोच सकते हो कि कितनी खुशी हुई होगी, मतलब खुद देख लो। छक्का चौका के लिए नहीं जाना, अबे इतना सेट है तो इंडिया ने तो पाकिस्तान को हरा दिया था, एंड उसी के जस्ट अगले दिन थी दिवाली। तो हमें लगा कि यार देखो कुछ हो तो रहा नहीं है, हम लोग दिवाली के दिन लिटरली बस बेड पे सोए हुए थे। मतलब देखो हम लोग जब झारखंड रांची पे रहते थे तब हमें मतलब सुबह से बम फटने की आवाज़ आ जाती थी, और 2-3 दिन पहले से ही इधर उधर लाइट दिखने लगती थी। बट किट के कैंपस के अंदर ऑब्वियसली ये कॉलेज है, तो इसके अंदर वैसी डेकोरेशन तो नहीं होगी, दिया लगा रहे हो एंड लाइट्स लग रहे हैं अलग अलग कलर की, क्योंकि ये कॉलेज है, इसका अपना कुछ है यार, मतलब कॉलेज में ऐसे थोड़ी लगता है कहीं भी बिल्डिंग में। एंड तो हमें वो वाइब ही नहीं आ रही थी कि दिवाली है भी कि नहीं है, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक सब सोए हैं, सिर्फ सोए हैं। तो अभी 5:14 हो रहे हैं और दिवाली का दिन है, और मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है हॉस्टल में। ये देखो सब के सब सो रहे हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन नीचे हमें पता चला कि यार दिवाली बनाई जा रही है, ठीक है। तो हमने सोचा क्या हो रहा होगा, चलो चल के देखा जाए। तो जैसे ही हम नीचे पहुंचे, सीन कुछ ऐसा था।
मतलब इस एक महीने में मैंने इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली है। मैंने सोचा कि मेरी दिवाली का डेड हो गया, मतलब इस साल दिवाली खत्म है। बट जो हमने सेलिब्रेशन किया है नीचे जाके लास्ट के 2-3 घंटे ही, बट वो जो सेलिब्रेशन था वो कुछ बिल्कुल ही नया था। मतलब आज तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इतने सारे लड़के सब हॉस्टल में, किसी की फैमिली किसी के साथ नहीं, फिर भी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड वाह, क्या वाइब थी यार। और फिर उसके बाद दिवाली ख़त्म हो गई और हम वापस अपने क्लास के रूटीन में बैठ गए। मतलब सुबह 8 से 2:20 क्लास, एंड देन क्रिकेट, एंड देन स्टडी। तो यही कुछ रूटीन हमारा लगभग 15-20 दिन से चल रहा है। एंड मेरी बॉडी थक चुकी है। और इतना मैं जो क्रिकेट कर रहा हूँ ना, देखो क्रिकेट के ऊपर मैं वीडियो डाल सकता, मतलब क्रिकेट की वीडियो इस वीडियो में डाल सकता, बट मैं नहीं चाहता डालना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने किट की जितनी भी वीडियोज देखे ना, तो किट के क्रिकेट ग्राउंड और मतलब जो मेन लिटरली स्टेडियम है उसके ऊपर किसी ने वीडियो डाली ही नहीं है अभी तक। मैं बस इतू समय स्टेडियम के पार्ट को इंक्लूड करके नहीं हटाना चाहता, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है किट में किसी ने वीडियो ही नहीं डाली है क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। सो या कंटेंट का आइडिया लीक तो नहीं कर दिया ना मैंने कहीं। ओके, सो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो इसी में हमारा एक महीना पार हो गया यार। लिटरली एक महीना फैमिली के बिना पार हो चुका है। तो अब देखो यहाँ इतने सारे दोस्त हैं कि वो फील नहीं होने देते फैमिली की कमी, क्योंकि मतलब सब आपस में, देखो जैसे अभी तुम्हें हल्का सा तो आ रहा होगा, बगल वाले रूम में लगभग 5-6 लोग बैठे हुए अपनी मस्ती कर रहे हैं क्लास से आने के बाद, या फिर क्लास जाने से पहले सब अपनी मस्ती में रहते हैं। तो यहाँ किसी को फील नहीं होता कि यार फैमिली से दूर है, अकेले हैं यार, कुछ करने को नहीं है, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें हॉस्टल में कभी फील नहीं होगी, दैट इज़ वाई हॉस्टल इज़ कॉल्ड एज हॉस्टल, ठीक है। और इंजीनियरिंग हॉस्टल में तो और नहीं, कि यहाँ सब बहुत वेल्ले होते हैं। तो अब जैसे कि एक महीना हो चुका है, तो इस बीच हमें हाथ में पकड़ा दी गई है डेट शीट, वो भी मिड सेम की। और हमारे मिड सेमेस्टर चालू होने वाले 21 नवंबर से और 26 नवंबर का अटेंड हो जाएंगे। तो टोटल 6 दिन लगातार एग्जाम चलने वाला है। एंड आई नो कि ये जो वीडियो बना है इसकी क्वालिटी मेरे पिछले वीडियो के हिसाब से ऑलमोस्ट 50% डाउन है, क्योंकि ये वीडियो मैंने, पहले तो मेरी तबियत खराब है, ठीक है, तो मैं अपना फुल एफर्ट दे नहीं पा रहा, और मेरी आवाज़ वो जो डीप वाली आवाज़ थी ना, वो आवाज़ भी अभी चले गई है। मेरी आवाज़ अभी फटे हुए बांस जैसी हो चुकी है, ठीक है। एंड वो जो सीरियसनेस रहती थी ना शुरुआत एपिसोड्स में, वो सीरियसनेस अभी चले गई, क्योंकि शुरुआत खत्म हो चुका है भाई। और अब जब भी नेक्स्ट एपिसोड आएगा या फिर नेक्स्ट सीरीज आएगी शुरुआत का, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। एंड वो ऐसा नहीं है कि जल्दी आएगा, वो मेरे लाइफ में जब तक कोई मेजर चेंज नहीं होता तब तक नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप बेसिक वीडियोस एंजॉय करो, एंड थैंक यू बिट बॉय। तो उसने भाई क्या बताऊं मैं, उसने वीडियो करने के लिए इन्फ्लुएंस कर दिया, और वीडियो फाइनली कंप्लीट हो भी चुका है, ठीक है। तो ऐसे 2-3 लोग चाहिए मेरे को लाइफ में, कि जो मेरे को थोड़े थोड़े टाइम पे ट्रैक पे लाते रहें, कि यार वीडियो डाल, टाइम टेबल मैनेज कर, मैं भी कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। थैंक यू सो मच भाई। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कॉलेज में से टाइम निकाल के ये वीडियो मैं पता नहीं अब एडिट कब करूँगा, शूट तो कर लिया है, बट यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो, नवार बोलूँगा।